हेलो दोस्तों, मैं रौनक आपका स्वागत करता हूँ हमारे डेस्कटॉप चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अंतर होता है इन पीटीसी वेबसाइट, जीपीटी वेबसाइट और सर्वे साइट्स के बीच में, और इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी रहती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है और हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अर्निंग वेबसाइट्स होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, हमारी जीपीटी वेबसाइट। दूसरी कौन सी होती है, पीटीसी वेबसाइट। और जो तीसरी होती है हमारी होती है सर्वे वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीटी वेबसाइट के बारे में। तो जीपीटी वेबसाइट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गेट पेड टू। ठीक है दोस्तों, तो गेट पेड टू किस में दिया जाता है हमको? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अर्निंग वेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑफर्स कंप्लीट करना, है ना। यहाँ पर आपको सर्वे कंप्लीट करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, है ना। वीडियोस वॉच करने के भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, गेम खेलने के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग एप्स के भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप किसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उनके भी आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी जाती है। सर्वेज़ के होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ। एक तरह से आपको एक राय देनी होती है, बस ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ना होता है, इसमें आपका सर्वे खत्म हो जाता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ऑफर्स वगैरह भी आपको पता होंगे शायद, है ना। वॉचिंग वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको इन तरीकों से जीपीटी वेबसाइट में अर्निंग होती है और यहाँ पर से आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जीपीटी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट आती है, तो मैं मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो जो जीपीटी वेबसाइट के अंदर आती है हमारी स्वैगबक्स वेबसाइट, ठीक है, प्राइजरेबल वेबसाइट, टाइमबक्स वेबसाइट, और एक और का भी अगर मैं नाम लेना चाहूं तो वो होती है हमारी वाइसेंस। ठीक है, तो सर्वे जो ये स्वैगबक्स है, इस पर मेरी प्लेलिस्ट अभी चल रही है, हाल फिलहाल में मैं इसको पूरी कंप्लीट भी कर डालूंगा। प्राइजरेबल पर मैंने पहले से ही वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, प्राइजरेबल मेरे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, आपको उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां पर से देख लीजिएगा। टाइमबक्स पर मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आराम से उस प्लेलिस्ट को देख कर टाइमबक्स वेबसाइट से अर्निंग करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर देंगे, क्योंकि क्या कि इस पर बहुत सारे अर्निंग मेथड्स हैं जो मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें कवर किए हैं। और वाइसेंस पर भी मैं आगे आने वाले फ्यूचर में प्लेलिस्ट बना दूंगा, अगर आपकी मर्जी रही तो। ठीक है, अभी हम आते हैं सर्वे साइट्स के बारे में। तो सर्वे साइट्स क्या होती है, सर्वे साइट में सिर्फ आपको सर्वे मिल जाएंगे। ठीक है, सर्वे साइट में क्या होंगे, सिर्फ आपको सर्वेस दिए जाएंगे जो प्रोवाइड कराती है बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़। ठीक है, वो जानना चाहती है कि लोगों के मन में उनके ब्रांड के बारे में क्या विचार है, तो सर्वेस हमको देती है। ठीक है, सर्वेज में मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, आपको बस अपनी राय देनी होती है। सर्वे के दो भाग होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो सर्वे के दो भाग होते हैं, एक पहला होता है क्वालिफिकेशन राउंड, दूसरा होता है सर्वे कंप्लीशन राउंड, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले हमको क्वालिफाई करना पड़ता है सर्वे को, जिसमें आपकी वो एलिजिबिलिटी देखते हैं सर्वेज के अंदर। ठीक है, और जैसे ही आप उस सर्वे को क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद आपका सर्वे शुरू हो जाता है, फिर आप मक्खन की तरह उस पूरे सर्वे कर सकते हैं। और जैसे आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपको आपकी जो अर्निंग है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये भी हमारी, इसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट आती है, तो यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिनका शायद आपने नाम भी सुना होगा, टोलोना इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, यूगो बहुत बढ़िया वेबसाइट है, लाइफ पॉइंट्स और पेड व्यू पॉइंट बहुत शानदार वेबसाइट है। और अगर मैं किंग ऑफ सर्वे वेबसाइट का नाम लूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही लगती है, सर्वे टाइम। ठीक है, सर्वे टाइम में क्या होता है कि आपके पास में दो तरह के सर्वे आते हैं। पहले होते हैं बड़े सर्वेज जो लगभग आधे घंटे तक के रहेंगे, और दूसरे होते हैं छोटे सर्वेज जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक के रहते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में जैसे आप इन दोनों सर्वेज को कंप्लीट कर देते हैं, तो बड़े वाले जो सर्वे होता है उसके आपको 70 रुपये मिलते हैं, है ना, यानी कि $1 मिलता है। $1 कीमत वैसे अभी 75 रुपये चल रही है, तो हाँ 75 रुपये मान के चलिए। और जो छोटा वाला जो सर्वे रहता है आधे डॉलर का, उसका आपको 37 रुपये से लगभग मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा पीटीसी वेबसाइट। दोस्तों पीटीसी वेबसाइट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पेड टू क्लिक।
यहाँ पर आपको जनरली जो एड्स शो होंगे, एड्स शो होंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एड पर क्लिक करना होगा, एड चलेगा थोड़े सेकेंड्स तक और उसका आपको यहाँ पर अर्निंग दी जाएगी। ठीक है, एक तरह से कहूँ तो हमारी जो टाइम बैक वेबसाइट है उसमें भी एड चलते हैं, पर वो एक तरह से पीटीसी वेबसाइट नहीं है, वो जीपीटी वेबसाइट के अंदर आती है। तो हाँ, बहुत सारी वेबसाइट होती है पीटीसी वेबसाइट में, इसकी मैं आपको कहूँगे तो बढ़िया वाली लिस्ट भी आपको बता दूँगा कौन कौन सी जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एड्स पर क्लिक करने के पैसे दिए जाते हैं और ज़्यादातर जो बड़ी वेबसाइट होती है वो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सर्वे करना और कुछ ऑफर्स कंप्लीट करके अर्निंग करना। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट आती है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली आती है न्यूबक्स, दूसरी आती है पीटीसी शेयर और तीसरी आती है स्केलेट क्लिक्स। अगर मैं आपको और डीपली लेके जाऊँ पीटीसी वेबसाइट के बारे में तो यहाँ पर आपको क्या रेफरल्स चूज़ करने का भी ऑप्शन होते हैं। अब आप बोलेंगे कि रेफरल मतलब कौन से वाले, जो हम बनाते हैं? नहीं नहीं भैया, जो रेफरल हम रेंट पर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम न्यूबक्स वेबसाइट में काम कर रहे हैं, न्यूबक्स वेबसाइट में हमने काम किया और वहाँ पर से हमने एक हफ्ते के अंदर $10 जनरेट कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन $10 के रेफरल को रेंट पर ले लिया, है ना। रेफरल को हमको वहाँ पर रेंट पर लेना पड़ता है एक महीने के लिए। अब एक महीने के लिए जो हमारे पास में रेफरल आएंगे वो काम करेंगे। ठीक है, हमने $10 के रेफरल लिए, हमारे पास में मान लीजिए 50 रेफरल आए, अब 50 रेफरल हमारे लिए एक महीना काम करेंगे और अगले महीने तक हमको $20 जनरेट करके दे देंगे। और अगर आपके पास अच्छे रेफरल हुए और आपने बढ़िया अर्निंग करी और उससे उनको रिन्यू भी करते रहे, रिसाइकल भी करते रहे, तो हो सकता है कि आपके जो रेफरल है वो शानदार हो जाए एक दिन जाकर, और वो आपको बढ़िया एक महीने के अंदर ही आपको जो 50 रेफरल है वो आपने $10 के लिए होंगे, पर वो आपको $100-200 भी दे सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, जो इसमें ये वाला फीचर का भी ऑप्शन होता है, मैं इसके डीपली में चला गया थोड़ा बहुत तो नहीं, पर आपको क्या समझ में आ गया होगा कि इन तीनों के अलग अलग चीज़ें होती है ये तीनों में। और अगर मैं बात कहूँ कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों में से अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो मुझे जो लगती है वो लगती है GPT वेबसाइट नंबर 1 पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे दोस्तों बहुत सारे अर्निंग मेथड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप हमारे टाइमबैक्स वेबसाइट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्स क्लिक करना मिल जाएगा, है ना, नाइटफॉल न्यूज़ के सिस्टम मिल जाएगा, स्लाइड शो भी देख के आप पैसा कमा सकते हैं, सर्वेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, वेबसाइट पर साइनअप करके पैसा कमा सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके भी पैसा कमा सकते हैं, वीडियोस देख कर पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख कर पैसा कमा सकते हैं, है ना। और एक तो तरीका ऐसा जिसमें ऑटोमेटिक वीडियो चलती रहती है उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कुछ लिंक पर क्लिक करवाइए उससे पैसा आपको मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए इससे उससे पैसा मिलेगा। और हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग की अगर आप मेरे से वीडियो चाहते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग पर भी सीरीज शुरू करूँ तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख कह सकते हैं, तो मैं इस पर भी एक प्लेलिस्ट आपके लिए जनरेट कर बनाकर दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे हमारी वो प्लेलिस्ट भी चलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों से बेस्ट कौन सी है, GPT वेबसाइट। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो सर्वे वेबसाइट। ठीक है, सर्वे वेबसाइट भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर भी आपको अच्छी अर्निंग जनरेट हो जाती है। और तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ PTC वेबसाइट, क्योंकि क्या है यार, यहाँ पर बहुत कम अर्निंग होती है, जो एक आपको एक PTC वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 एड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एक एड की कीमत रहेगी वो रहेगी 0.001। ठीक है, तो यार 0.1 सेंट से क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो यार ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती नहीं है PTC वेबसाइट, और यहाँ पर रेफरल का सिस्टम भी होता है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी रहती है, तो मैं उसको कभी रेफर नहीं करता। ठीक है, तो मुझे कौन सी लगती है, सबसे पहले GPT वेबसाइट, दूसरे नंबर पर सर्वे वेबसाइट और तीसरे नंबर पर PTC वेबसाइट। तीनों मैंने ट्राई करके देखा है, तीनों पे मैंने बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक एक तरह से कह सकता हूँ काम किया है। सबसे पहले मैंने PTC वेबसाइट पर काम करना शुरू किया था, फिर मैं सर्वे वेबसाइट पर आया, और अभी मैं GPT वेबसाइट पर भी काम कर रहा हूँ फिलहाल में भी। तो मुझे GPT वेबसाइट सबसे अच्छी लगती है, और मैंने आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो वो मेहनत के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।